हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनमेड फाइबर्स में रीजनरेटेड फाइबर्स। रीजनरेटेड फाइबर्स वो होते हैं जिसको मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे सेलुलोजिक फाइबर्स एंड प्रोटीन फाइबर्स। सेलुलोजिक फाइबर्स, रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर्स वो होते हैं जिनको सेलुलोजिक फाइबर्स से रीजनरेट किया गया, उसको अपन रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर्स बोलते हैं। एंड वैसे ही प्रोटीन फाइबर्स में भी रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। अपन शुरू करते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स। रीजनरेटेड सेलुलोजिक फाइबर टू टाइप्स की, दो उसके दो कैटेगरीज हैं, एक विस्कोस रेन हो गया, एक एसिडेट रेन हो गया। विस्कोस रेन कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि सेलुलोज को हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा विस्कोस रेन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो सेलुलोज सोर्स है उसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे बाय थ्रू स्पिन रेट इन अ कोगुलेशन बाथ। ओके, अब बताएं सोर्स सेलुलोज के सोर्सेस लाइक वुड, सीड, हेयर, लीफ, बास्ट एंड बोम्बू। इस ये सारे पार्टिकल्स सेलुलोज में होते हैं। अब वुड्स फाइबर में सेलुलोजिक कंटेंट 40 से 50% होता है, उसमें लिग्निन 20 to 30% होता है और 10 to 30% हेमिसेलुलोज का था, वो वेरी करता है। ओके, एंड अब सेलुलोज के लिए कौन कौन से सॉल्वेंट हम यूज़ करने वाले हैं या यूज़ करते हैं, इसके लिए अपन को कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर यूज़ करते हैं, जिसमें जैसे कॉपर एमिनो हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रा अमोनियम ऑक्साइड। एंड इस प्रोसेस में सबसे फर्स्टली हम सेलुलोज को मर्सराइज करते हैं विद NaOH के साथ एंड कार्बन डाई सल्फाइड के साथ हम ट्रीटेड करके इसको ज़ैंथेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, विस्कोसिटी मैन्युफैक्चरिंग, विस्कोस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम पहले सेलुलोज को प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमको जो रॉ मटेरियल होना चाहिए वो हाईली सेलुलोजिक कंटेंट होना चाहिए। एंड फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन के लिए लिग्निन को हम केमिकल रेजिन में डिजोल्व करेंगे एंड उसको अदर फॉर्म में एलिमिनेटेड करेंगे। पल्पिंग ऑपरेशन में हम थ्री स्टेप्स कैरियर आउट करते हैं, वुड प्रिपरेशन, डाइजेशन एंड वॉशिंग। इसके बाद वुड होता है उसको हम मेल्स में सप्लाई करेंगे एंड उसके बाद जो उसकी जो साइज़ होती है वो वेरी करती है, 1.5 to 2.5 meter लेंथ होती है। इसमें क्या होता है कि जो वुड एक लॉग होता है उसको रिड्यूस करते हैं और इनटू कन्वर्ट करते हैं चिप्स में और उसके लेंथ, थिकनेस एंड विड्थ रिड्यूस हो जाती है। जैसे लेंथ उसकी होगी 1.6 to 2.2 centimeter, थिकनेस हो जाती है उसकी 0.2 to 2.4 एंड विड्थ 1.3 to 2.5 centimeter तक रिड्यूस होती है। एंड उसके बाद चिप्स को ट्रीटेड करते हैं विद पल्पिंग रिजिन। पल्पिंग रिजिन वो हो सकता है अपना कैल्शियम मैग्नीशियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन पल्पिंग रिजिन का यूज़ करके हम जो रिमूव करेंगे अदर फॉर्म, जो सेलुलोज के अदर फॉर्म्स होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, जैसे सेलुलोजिक हेमिसेलुलोज, कलर मटेरियल, मिनरल कंपोनेंट। इसको रिमूव करने के लिए एक टेम्परेचर एंड टाइम्स भी रहता है, जैसे 100 to 140 टेम्परेचर एंड 8 to 14 hours के अंदर ये पूरे रिमूव हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट होता है जो पल्प है उसको डाइल्यूटेड करते हैं विद वाटर के साथ एंड फिर डाइल्यूटेड जो पल्प होते हैं उसको एक ब्रॉड होता है उसमें प्रेस्ड करते हैं प्योरीफाइड, उसको प्योरीफाइड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। फिर उसके बाद जो बोर्ड्स होता है, बोर्ड्स कंटेंट अबाउट 90 to 94% सेलुलोजिक एंड फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं रेयन मिल्स में। रेयन मिल्स में होता क्या है, वहाँ पे फिर सेलुलोजिक सेंथेट सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है एंड वहाँ पे ट्रीटेड करके उसको स्पिनिंग प्रोसेस होता है और वहाँ पे विस्कोस रेयन बनता है। आइए हम डिस्कस करते हैं उसमें सेलुलोजिक सेंथेट सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, उसके लिए अलग अलग स्टेप्स है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्टिपिंग।
स्टिविंग इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पल्प सीड होती है उसको मर्साइज करते हैं विद 18% प्लास्टिक के साथ इन बिग टैंक, एंड सेलुलोज को जब कास्टिक सो से डिटेट करते हैं तो वो एल्कली सेलुलोज बन जाता है। ओके नेक्स्ट है शीडिंग। शीडिंग एक मशीन है जिसमें टू सेट रिवॉल्विंग प्लेट रोटेटिंग करती है इन अपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड एट 20 डिग्री टेम्परेचर। जो एल्कली सॉल्यूशन है उसको कन्वर्ट करता है लाइट पल्पिंग मास में बाय क्रम्स इन द मशीन। ओके अब ये क्रम्स क्या होता है, उसमें एजिंग आता है। एजिंग प्रोसेस में क्रम्स को एक बड़े स्टील कंटेनर में स्टोर करते हैं अंडर कंडीशन 21 to 23 डिग्री टेम्परेचर फॉर 3 to 7 आवर्स के लिए। ये डिपेंड करता है उस कैटलिस्ट और एल्कलिस्ट जो अपन यूज़ कर रहे हैं। ओके इन दिस प्रोसेस एयर एल्कली रिड्यूस रिजल्टिंग इंक्रीज इन विस्कोसिटी। जब राइट विस्कोसिटी ऑप्टेन हो जाती है तब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं टू द ड्रम जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है। अब इसके बाद हम जिंतेशन एंड रिविंग प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ विस्कोस रेयन डिस्कस करेंगे, एंड देन थर्ड पार्ट्स में हम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा और अगर इस और नए नए अपडेट्स चाहते हो, नए नए टेक्सटाइल्स से रिलेटेड नए नए नॉलेज गेन करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।